जिसके तीन पार्ट करने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा एक डिव, इसमें क्लास दे दूँगा मैं रो, इस डिव को मैं क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद तीन डिव चाहिए मुझे, यहाँ पे एक डिव, डिव को मैंने क्लोज कर दिया। क्लास दूंगा मैं कॉल डैश फॉर। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, एंटर एंटर। सॉरी, इंडेक्स यहाँ पे क्लास में मैं डाल दूंगा। सेव कर दिया, यहाँ पे मैं दूंगा कॉलम फोर। कॉलम फोर में है 41%, तो यहाँ पे डालेंगे 41, यहाँ पे डालेंगे 41, यहाँ पे डालेंगे 41। ग्रीन, कंट्रोल सी, क्लास कंट्रोल वी स्पेस रेड स्पेस, और यहाँ पे एक दूसरा फिर से ग्रीन, कंट्रोल एस, इस प्रीव्यू। मैंने सी एस एस भी सेव है, एच टी एम एल भी मेरा सेव है, लेकिन प्रीव्यू जो है वो नहीं आ रहा है। रिफ्रेश, तो यहाँ ऊपर मैंने रो का क्लास नहीं लिया था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। क्लास दे दो आप रो, एंटर। क्लोज डिव, सेव, क्लिक प्रीव्यू। अब आ गया, अब ये एक 40% है मेरा, दूसरा 40% है, लेकिन तीसरा यहाँ पे जो है वो नीचे आ गया है। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह ये है कि मैंने इसको फोर कॉलम को चार में डिवाइड करना भूल गया हूँ। यहाँ पे भी 41 है, यहाँ पे भी 41 है। सो हमें फिर से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दूंगा मैं 4 divided into 12 इज इक्वल टू 33 33 33 33 33। सेव, अब यहाँ पे जाएंगे, सेव करेंगे, राइट क्लिक, प्रीव्यू इन ब्राउज़र, रिफ्रेश। अब तीन पोर्शन हो गए हैं मेरे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तीन पोर्शन हो गए मेरे, ये दो पोर्शन हो गए, 50% 50%। तो हमारा कॉलम जो है वो परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई एक्सेक्ट पता नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे इसमें बॉर्डर ऐड करनी है। तो मैं जाऊँगा मेरे सी एस एस में, कंटेनर क्लास में जाऊँगा, यहाँ पे दूंगा मैं बॉर्डर, बॉर्डर 2 pixel सॉलिड, हैश कलर मुझे रखना है। फोटोशॉप में से मैं बॉर्डर का कलर ले लेता हूँ ब्लैक, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि हमारी जो ग्रीड है वो परफेक्ट वर्क कर रही है। ठीक है, देखिए बॉर्डर आ गई पूरे कंटेनर की, जहाँ जहाँ मैंने कंटेनर है पूरा पूरे में बॉर्डर आ रही है। नाइस, बॉर्डर आ गई है मेरे लीड में। ठीक है, मैं इसको मोजिला में आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट है, शॉर्टकट देखिए,
अभी जो ये मेरी बॉर्डर की विथ जो है ना, वो हमारे ड्यू के हिसाब से, हमारे साइज के हिसाब से छोटी बड़ी हो रही है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न हमने जो यहाँ पे डाला है, कॉलम में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो उसके हिसाब से वो ले रही है। सब परफेक्ट वर्क कर रहा है। कंटेनर ले लिया, रो 3 पार्ट हो गए हमारे कॉलम के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ग्रिड के हिसाब से परफेक्ट हो गया है 3 पार्ट। अब ऐसे ही आप यूज करके 2 पार्ट करने हो तो कॉलम 6 का यूज करो, 3 पार्ट करने हैं फॉर फॉर फॉर, टोटल जो अकाउंटिंग तो आपके 12 होने चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे 4 पार्ट करने हैं तो 3 फॉर, ये भी 3 हुए तो उसमें कॉलम आएंगे 3 3 3 3, 4 पार्ट करने हैं। इस तरह से आप खुद के कॉलम डिवाइड करके, खुद के कॉलम बना के आप यहाँ से फटाफट कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है कॉलम ग्रिड बेस्ड सिस्टम लेआउट का। अब आपको मेरे हिसाब से शायद आपको पता चल गया होगा कि कॉलम कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग क्या है, फ्लोटिंग क्या है। अगर मैंने यहाँ से इसमें फ्लोट नहीं दिया है तो यहाँ पे ये दोनों एक सारे ड्यू के आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो आपको बेसिक कंसेप्ट ग्रिड का पता चल गया, कंटेनर में मैक्सिमम विथ क्यों रखते हैं वो भी आपको पता चल गया। मैक्सिमम विथ यहाँ पे रखेंगे तभी आजू बाजू ये जगह छूट रही है, वो मैक्सिमम 12 पिक्सल 100 के बराबर जाएगा। मार्जिन 0 ऑटो से पूरा लेआउट सेंटर में आ जाएगा। तो बेसिक फंडा जो था ग्रिड बनाने का, कॉलम बनाने का, कॉलम को कैसे डिवाइड करते हैं परसेंटेज में, वो मैंने आपको सिखाया। मुझे आशा है, होप है कि भी आपको ये पता चल गया होगा। आई होप कि आपको कॉलम का, ग्रिड का कैसे डिवाइड करते हो थोड़ा बहुत पता चला होगा इस ट्यूटोरियल्स में। अब मैं आपको हमारे लेआउट पे ले जाऊंगा और इस लेआउट को कैसे हम कोड करेंगे, इस लेआउट का कैसे कोडिंग करेंगे वो